नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे ग्राम पवाया में अपने खेतों पर झोपड़ी बनाकर रह रहे एक किसान के झोपड़े में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसे झोपड़े में रखा 50 से 55 हजार रूपए तक का सामान जलकर राख हो गया। झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भितरवार नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने बढ़ती आग पर नियंत्रण किया। तब तक कहीं जाकर आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को राहत मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाकिम सिंह गुर्जर पुत्र विशाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जाऊ पुलिस थाना क्षेत्र भितरवार पिछले कई महीनों से ग्राम और मोचा पवाया स्थित अपने कृषि भूमि पर झोपड़ी बनाकर परिवार सहित निवासरत था, जहाँ शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे उक्त किसान के झोपड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने आग बुझाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत लोहारी सरपंच रेखा नाम निवास सिंह गुर्जर और ग्राम पंचायत पवाया के सरपंच मुकेश भार्गव को लगी।